ॐ साईनाथाय नमः। सचिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ भगवान की जय। आज गुरुवार है, मेरे साई का दिन है, और जब भी श्री साईनाथ की बात करते हैं तो मेरी आप सबसे 12 राशि वालों से अनुरोध है कि साईं के चरणों में गेंदे के पीले फूल और अगर हो सके तो उपवास रख के साईं की आराधना करने मात्र से नव ग्रहों की बुराइयां और त्रुटियां दूर हो सकती हैं, क्योंकि आशीर्वाद जो है, दुआ जो है, उससे सब समस्याओं के हल होते हैं। तारीख है 25 फरवरी 2016, कन्या राशि, उत्तर फागुनी नक्षत्र, और 1:30 से लेकर 3 तक दोपहर को राहु काल। आइए शुरू करते हैं पहली राशि, मेष राशि। मेष राशि वाले जातक इस बात का ध्यान रखें कि समय आपके साथ अनुकूल जरूर है, मगर कहीं ना कहीं रेस्टलेस एंड कंफ्यूजन भी आज बना रहेगा। मगर एक समाचार आपको मिलेगा जिससे आपको सुख मिलेगा, वो है कोर्ट कचहरी के मामला या कोई लीगल मैटर है उसमें सफलता मिल सकती है। व्यापार का मसला मध्यम है, स्त्रियों से कोई ना कोई बहुत बड़ा लाभ आपको हो सकता है। अगर आपकी बैंक मैनेजर स्त्री है, कंपनी की मालिक स्त्री है, तो उससे आपकी पीठ थपथपाई जा सकती है। 50% उत्तमता भरा दिन, पीले रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 7। अगली राशि वृष राशि। शुक्र की अपनी राशि या शुक्र शनि की राशि में बहुत ही सुंदर सब भाव बनाकर बैठा हुआ है। ऐश्वर्य, सुख, संपदा, बच्चों की तरफ से भी कोई अच्छी न्यूज़ और व्यापार में भी वृद्धि के योग बने हुए हैं, और क्या चाहिए। हो सके तो चैरिटी कीजिए, किसी अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को ब्रेड बटर खिलाइए और साथ में दूध पिलाइए, आपको और दुआएं लगेंगी। आज का दिन 80% उत्तमता भरा, पर्पल कलर का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 6। अगली राशि पर बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि की। थोड़ी सी रेस्टलेस रहेगी क्योंकि समय जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। चंद्रमा बुध की राशि में है, आपकी राशि के स्वामी भी बुध हैं, तो चंचल मन से कुछ भी आप बोल दोगे उसका दुरुपयोग हो सकता है। वाणी के ऊपर, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। व्यापार में भी कतई तेजी मत बरतें। ओम नमो साईनाथाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। 40-50% उत्तमता भरा दिन, हरे रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 9। आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्क राशि की। चंद्रमा की राशि बुध में बैठे हुए हैं चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में भी वैसा माहौल हो सकता है कि आप रेस्टलेस माइंड हो, या कहीं ना कहीं अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मरीज हैं तो उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए और आप दुखी हो जाएं। मगर मित्रों, 3 के बाद राहु काल के आपको कोई बड़ा अच्छा समाचार मिल रहा है। बड़े भाई के माध्यम से या पिता के माध्यम से हो सकता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के ऊपर साइन हो जाए और आपको मिल जाए। समय अनुकूल जरूर है, मगर इसमें स्थिरता की जरूरत है। योगा प्राणायाम का सहारा ले, दिन 50% मिश्रित फल लेकर आया हुआ है। सफेद रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 4। तो आइए मित्रों, अब बात करते हैं अगली राशि, सूर्य की राशि है सिंह राशि। दिन अच्छा है, भाग्य चमका हुआ है। राजनीतिज्ञों को, संगठन के कार्यकर्ताओं को कोई बड़ा सफलता, जो प्रश्न थे वो खत्म होते हुए दिखाई देते हैं। व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं और जो कार्य करेंगे उसमें सफलता नक्की दिखाई दे रही है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का भी सुंदर योग बना हुआ है। आज का दिन 70% उत्तमता भरा, लाल रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 7। आइए अब आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात करते हैं। चंद्रमा आपकी राशि में है, जैसे मैंने बोला कि रेस्टलेसनेस रहेगी, तो थोड़ा सा अपने मूड का ध्यान रखें। किसी से झगड़ा मत करें, गाड़ी तेज मत चलाएं, गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल मत करें, तो छोटी मोटी दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं और छोटी मोटी चोरी के भी। अपनी चीज़ों को भी संभाल कर रखें।
कुल मिलाकर व्यापार में भी जल्दबाजी ना अपनाएं। आज का दिन 40-50% उत्तमता भरा, ऑफ व्हाइट कलर का इस्तेमाल और भाग्य अंक है 10। अगली राशि तुला राशि। समय अनुकूल है, व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। शिक्षकों को, विद्यार्थियों को सुंदर समय की जो आशा थी वो आया हुआ है। आज का गुरुवार साईं की कृपा से आपके ऊपर पूरा मेहरबान है। शादी के सुंदर योग बने हुए हैं, घर में शहनाई बजने का पूरा पूरा आसार है। तो तुला राशि वालों को आज लड्डू बांटने चाहिए और साईं के चरणों में जाकर पीले गेंदे के फूल चढ़ाने चाहिए। मगर साढ़े सती भी है, इसलिए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। 60% उत्तमता भरा दिन, नीले रंग का इस्तेमाल कर लें और भाग्य अंक है 2। आइए अब आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। धरणी गर्भ संगुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि हम। मंगल अपनी राशि में धरती यानी भूमि के साथ, माइनिंग के साथ, प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए व्यापारियों को धन लाभ के योग देता है, व्यापार में वृद्धि देता है। मगर शनि वहां पर जात बैठा हुआ विस्फोटक वातावरण बनाता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, सेहत का ध्यान रखें, तब भी दिन 70% उत्तमता भरा। मैरून कलर का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 7। अगली राशि पर बढ़ते हैं, बात करते हैं गुरु का अपना घर धनुराशि। समय अच्छा है, साईं की कृपा बनी हुई है, मगर साढ़े सती का प्रकोप भी है। कहीं ना कहीं अपने फैसलों के ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, किसी भी तरह का वैट, इसकी चोरी मत करें। व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं, साईं के चरणों में जाकर आज प्रणाम करके आ जाइए, समय अच्छा और हो जाएगा। मगर माता पिता की सेहत का ध्यान रखें, वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर दिन 50% उत्तमता भरा, पीले रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 4। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। धन में वृद्धि, ऐश्वर्य में वृद्धि, सुख में वृद्धि और काम जो कर रहे हैं उसमें सफलता। तो कमी किस चीज की है? अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उसका ध्यान रखना है। इसलिए सुबह सुबह स्टीम लें, पंप अपने पास में रखें, गलती से भी इधर उधर ना रखें। मकर राशि वालों के लिए 70-75% उत्तमता भरा दिन, काले रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 4। आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि की बात करते हैं। अभी भी समय बदला नहीं है, सूर्य और केतु अभी भी बदले नहीं है, इसलिए ध्यान रखें, आत्मा को असुरक्षित मत होने दें, पिता की सेहत का ध्यान रखें और भूमि खरीदते समय, मकान खरीदते समय अच्छी तरह पेपर पढ़ लें। कभी भी गलती से बिना सोचे समझे साइन मत करें। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए 40-50% उत्तमता भरा दिन, डस्की ब्लू कलर का इस्तेमाल करें और भाग्य अंक है 3। आइए अब आगे बढ़ते हुए आखिरी राशि की बात करेंगे, मीन राशि। धन तो है मगर आज सुख से वंचित रहेंगे, लगेगा कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये क्यों नहीं है। तो मित्रों, जीर्यंते कर्णा, जीर्यंते चक्षु, जीर्यंते कंठा, जीर्यंते दंता, जीर्यंते बाला, बाल झड़ जाते हैं, आंखें देखना बंद कर देती हैं, दांत झड़ जाते हैं, कंठ रुद्र हो जाता है, सब कुछ बुढ़ा हो जाता है, जीर्ण हो जाता है। ना जीर्यंते तृष्णा, तृष्णा ये तरुणा, तृष्णा तो तरुण रहती है, कभी कमी नहीं होती। अपनी भावनाओं, अपनी सोच के ऊपर नियंत्रण रखें। आज का दिन 50% उत्तमता भरा, आप भी पीले रंग का उपयोग करें और भाग्य अंक है 12। ये थी आज गुरुवार के दिन साईं की कृपा से 12 राशियां और कल महालक्ष्मी का दिन है शुक्रवार। कल फिर इसी जगह इसी समय मुलाकात करेंगे, तब तक हरिओम।